चलो राहुल कब हम निकलते हैं? एक घंटे का सफर तो हो गया, आधा घंटा और बाकी है। आधे घंटे में तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे यार, 35 किलोमीटर है यहाँ से ना। चलो तब निकलते हैं हम लोग, ठीक है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो guys, कैसे हो आप सभी लोग? I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो guys, आज हम आ चुके हैं शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि बिहार के सासाराम में स्थित है। तो हम लोग लगभग 7:30 बजे के आसपास अपने घर से निकले थे, हमारा राहुल बाई रोड। तो हम लोग यहाँ पे सासाराम 9:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। तो अभी फिलहाल हम लोग मकबरे पे हैं, शेरशाह सूरी के मकबरे पे। ये लगभग हजारों साल पहले का बना हुआ मकबरा है गाइस, और आज भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप सामने से आके इस मकबरे को देखते हो ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल तो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे इस मकबरे का खूबसूरती। और यहाँ पे गाइस एक बड़ा सा झील भी है, तो आप अगर यहाँ पे आओगे तो आप काफ़ी कुछ इंजॉय कर सकते हो पहले के बने हुए चीज़ों को, इमारतों को। तो हम लोग अभी सासाराम में हैं, और आगे भी आप लोगों को काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे प्लेसेस दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल आप इस मकबरे को देखिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस हम इंटर कर चुके हैं शेरशाह सूरी मकबरा के अंदर, और ये जो मकबरा है ये सासाराम शहर के बीचों बीच बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है गाइस ये मकबरा, और जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ था। कहते हैं कि मकबरा सम्राट शेरशाह सूरी बिहार के पठान की याद में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। Thank you.
आप ये जितनी भी कब्र देख रहे हैं और इनमें से जो सबसे बड़ी कब्र है जिसपे हरी चादर ढकी हुई है, ये शेर शाह सूरी जी का कब्र है और बाकी कब्र इनकी चार पत्नियां और आठ बच्चों के हैं।